मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 30 बिंदुओं पर चर्चा की गई। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड युवा पेशेवर संशोधित नीति लाई जाएगी। पदोन्नति के बाद दुर्गम स्थानों में जाने से बचने को हतोत्साहित करने के लिए पदोन्नति परित्याग नियमावली लाई जाएगी। एससी एसटी और ओबीसी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार सरकारी और प्राइवेट स्कूल की फीस संरचना के लिए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में समिति को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड सरकारी विश्वविद्यालय के लिए अम्ब्रेला एक्ट पर अध्यादेश लाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून होगा। आयुष विभाग आयुष शिक्षा चिकित्सा भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा के स्थान पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा। श्रीनगर एनआईटी को सुमाड़ी रेशम विभाग की 2,88,00,000 लागत की 8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दी जाएगी। होम स्टे ग्रोथ सेंटर अनुदान प्रक्रिया में संशोधन किया गया। बैंक से लोन न लेने पर भी अनुदान लेने की अनुमति दी गई। एक कमरे पर 60,000 और पहले से निर्मित संरचना पर 25,000 का अनुदान दिया जाएगा। श्रीनगर के अस्थायी कैंपस हेतु जो भूमि देने से स्थानांतरित निःशुल्क देने का निर्णय किया गया है। इसी प्रकार से हरिद्वार में एक हॉस्पिटल छोटा बनना है, मेडिकल कॉलेज पहले दे दी थी हमने जमीन, आज भूपतवाला में हॉस्पिटल के लिए भी निःशुल्क जमीन देने का निर्णय लिया गया है। महिला सशक्तिकरण में 2 निर्णय लिए गए हैं। इसी प्रकार से आवास विभाग के अंतर्गत जो पेट्रोल पंप इत्यादि में छूट देने का था उस विषय को किया गया है। इसी प्रकार से जो उस शिक्षा विभाग में जो कमरेला अथवा विश्वविद्यालय अध्यादेश 2020 उसको अनुमति दी गई है।